कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ, जैसे कि नए आलू आए हुए हैं तो मैं नए आलू की बहुत सारी डिशेस बनाती हूँ। तो ये आलू की कतलियाँ बना रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने आलू ऐसे छील कर इस तरह काट लिए पोटैटो, और ये इतना हरा धनिया मैंने लिया है, ये भी मैं इसमें काट दूँगी। और उसके लिए मैंने ये देखिए ये लिया है, एक चम्मच ज़ीरा है, और थोड़ी सी मैंने राई ली है। राई ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैं सारी सब्ज़ी में डाल देती हूँ। ऑयल लूँगी एज रिक्वायर्ड, 2 स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, नमक 2 चम्मच, 2 मैंने लिए हैं चिकन क्यूब्स, 1 बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने इस तरह काट लिया है। ये देखिए, मैंने इस तरह प्याज को काट लिया है, और इतनी मैंने ये ली है साबित लाल मिर्च। इसको मैं लाल मिर्च को मैं इस तरह तोड़ लूँगी, ये देखिए ऐसे इस तरह मैं तोड़ लूँगी इनको ऐसे, और ये तोड़ कर फिर मैं उसमें डाल दूँगी। और अब मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ किस तरह मैं बना रही हूँ। बस मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। मैं इसमें ये ऑलमोस्ट हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ, मैं हाफ कप, और साथ में मैं ऑयल के डाल दूँगी ये ऑनियन, ऑनियन थोड़ी सी हो जाएगी सौते हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा वगैरह। इससे ही करूँगी मैं, ये देखिए इस तरह मैं सारी मिर्चें काट रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब मैं ये डाल देती हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि ज़ीरा और राई मैंने डाली है। राई ऑप्शनल है, राई आपकी मर्ज़ी है पर डिपेंड करता है आप डालें या ना डालें, इसमें ये ज़रूरी नहीं होती, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैंने मिर्चें इस तरह कर ली है, देखिए अब ये काट कर मैंने मिर्चें ले डाल दी इसमें। अब इसको मैं मिर्चों को थोड़ा सा मिर्चों का फ्लेवर इसमें आने दूंगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आलू 2 किलो लिए थे, 2 किलो आलू में मैंने आधा कप ऑयल डाला है। वेजिटेबल ऑयल में आप बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। सारी सब्ज़ी आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। ये मैं इसमें इसकी डंडियाँ काट देती हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, डंडियाँ जो हैं मैं इसमें डाल दूँगी हरे धनिए की, और ऊपर से फिर ये थोड़े से जो ये लीव्स रह जाएंगे पत्ते के, ये मैं बाद में डालूँगी जब ये पक कर तैयार हो जाएगी तब डालूँगी। और अब मैं ये आलू इसमें डाल दूँगी, ये देखें ये हो गई है मिर्चें थोड़ी सी, और इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ, सारा इसका फ्लेवर आ गया, और ऑनियन भी थोड़ी सी और वैसी हो गई ब्राउन ब्राउन सी। अब मैं इसमें ये और आलू डालकर इसको मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा, ये जो पानी इसका मॉइस्चर होगा ना इसको मैं करूँगी थोड़ा सा ड्राई, क्योंकि बाद में मैं इसको नहीं चलाऊंगी, बाद में तो ये चलाऊंगी तो फौरन एक चम्मच मारते ही ये टूट जाएंगे आलू। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सॉल्ट डाल दूँगी मैं, ये देखिए मैंने सॉल्ट लिया था 2 स्पून, और ये चिकन क्यूब, ये देखिए मैं इस तरह तोड़ कर डाल दूँगी इसको, ये 1 चिकन क्यूब डाल दिया मैंने, और ये दूसरा। अगर मैं इसमें चिकन क्यूब नहीं, चिकन क्यूब्स भी ऑप्शनल हैं, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अगर आपके पास चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर है तो वो डाल दीजिए, वो भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालिए वरना नहीं। इसके अलावा अब मैंने वैसे मैं 2.5 स्पून सॉल्ट डाल दी, लेकिन चूँकि मैंने चिकन क्यूब डाले तो मैंने 2 स्पून सॉल्ट डाला है, फिर भी मैं सॉल्ट को चख लूँगी, अगर फिर भी कम होगा तो मैं और डाल दूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा मैं ड्राई कर दूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि सारा जो इसमें से जो मॉइस्चर निकला आलू का वो सारा ड्राई हो गया है, अब ये सिर्फ ऑयल रह गया है। अब ऑयल रह गया है तो फिर मैं अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 कप पानी, ये देखिए बस बल्कि 1.5 कप भी बहुत है। और अब मैं इसको चम्मच चला दूँगी, और चम्मच चलाकर इसको मैं ढक दूँगी, बाद में मुझे चम्मच नहीं चलाना। और एक बात जो मैं आपको बताऊँगी वो ये है कि ये डोई, मैं गलती कर रही हूँ कि मैं ये डोई से चला रही हूँ, हमेशा आप राइस हो या कोई ऐसी सब्ज़ी हो जो टूटे नहीं हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो टूटना नहीं चाहिए ना, उसको आप ऐसे डोई यूज़ ना करें, बल्कि एक ऐसा जो चम्मच होता है ना राइस वाला, राइस चलाने वाला चम्मच, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी।
वो यूज़ कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको लिड क्लोज कर दूँगी और अब मैं इसको पकने दूंगी। ये गल जाएगा और ये जो मैंने पानी इसमें डाला है ये ड्राई हो जाएगा, बस थोड़ा सा रह जाएगा हल्की हल्की सी ग्रेवी, ऑयल और पानी जैसे थिक थिक सा, तो बस ये फिर इसका मतलब है तैयार। मैं काट लेती हूँ हरा धनिया जो मैं ऊपर से उसमें डालूंगी। ये देखिए बारीक काटूंगी मैं इसको ज़रा, ये देखिए कटिंग बोर्ड निकालने का एक मसला होता है फिर उसको वॉश करके रखो, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा ज़रा ईजी है तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही बंदा काट ले, इजी ज़्यादा थोड़ी मेहनत से बच जाते हैं। ठीक, कटिंग बोर्ड तो वॉश करना पड़ता है, उसको वॉश करके रखना पड़ता है, इसमें हाथ से भी आप काट लिया कीजिए। ये देखिए ये मैं एंड में डालूंगी जब वो रेडी हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, वाओ कितनी मज़े की खुशबू आने शुरू हो गई इसमें। और ये देखिए अब मैं ये वाला स्पून यूज़ करूँगी क्योंकि उस वक्त ये कच्चे थे ना, उस वक्त टूटने का बिल्कुल ख़तरा नहीं था। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐसे केयरफुली चलाऊँगी ताकि ये टूट नहीं जाए। अब ये गल गया है, आलू गल गए, अब मैं इसका सिर्फ पानी ड्राई करूँगी और थोड़ा सा बस हल्का सा रहने दूँगी। और इस स्टेज पर मैं ज़रा सॉल्ट भी चेक कर लेती हूँ, सॉल्ट सही है या फीका है। सॉल्ट हमेशा जहाँ ऑयल नहीं होते ना वहाँ से लेते हैं हम, ये यहाँ से मैं लूँगी, इसमें ऑयल नहीं है। फर्स्ट क्लास, इसमें मैंने 2 स्पून सॉल्ट डाला था और 2 मैंने डाले हैं चिकन क्यूब्स, तो नमक बिल्कुल सही रहा। अगर चिकन क्यूब नहीं डालती मैं तो फिर मैं डालती इसमें 2.5 चम्मच नमक। अब ये बस मैं थोड़ी देर और इसको करूँगी और ये हो गया। मैं इसको यूँ नहीं चलाऊँगी, यूँ चलाऊँगी तो ये टूट जाएंगी। आलू की कतलियाँ कहते हैं हम इसको। ये देखिए अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा और ज़्यादा मैं अच्छा सा इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, ये मैं ऐसे कर दूँगी, ऐसे। ठीक है, और अब मैं इसकी लिड क्लोज करके इसको बस ड्राई करूँगी हल्का सा बस। ये देखिए बस कैसे मज़े से बन रहे हैं ये। और अब इसमें ये इतना जो ये ग्रेवी है कि बस इतनी काफ़ी है, इसको मैं और ड्राई नहीं करूँगी, अब मैं बस सर्व कर दूँगी इसको। मैं ज़रा यूँ करूँगी ये देखिए, ताकि सारा इसके अंदर चला जाए इसका ग्रेवी। और अब मैं डालूँगी इसमें ये देखिए, ये देखिए बस अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी बहुत केयरफुली, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, ये बस ऐसे ही मिक्स करूँगी। और अब मैं इसको कर दूँगी सब। और ये देखिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी, फुल फ्लेम पर मैंने ये बनाया, स्लो बिल्कुल नहीं की थी। और अब मैं आपको जो एक चीज़ और दिखाऊंगी वो ये है कि अभी तो मैं देखिए ये जो निकालूंगी बिस्मिल्लाह वो निकालूंगी मैं इस तरह, उसके बाद जो इसका थोड़ा सा ग्रेवी है वो फिर मैं सालन वाले स्पून से निकालूंगी। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया, इसमें थोड़ी सी मैं इसमें ये मिर्च भी यहाँ डालूँ ताकि नज़र आए कि हाँ जी ये पड़ी हुई है इसमें, ये इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये जो इसका सूप है वो ग्रेवी है वो मैं निकालूँगी इस डोई के साथ, ये मैं इस डोई से निकालूँगी। ये ऐसी थिक थिक होनी चाहिए, ये देखें ये नज़र आ रही है आपको, ऐसी थिक थिक होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना है, ऐसा थिक थिक सी रखना है। ये देखिए देखिए आलू की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं, कितनी खूबसूरत शक्ल है इनकी और टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा सा मज़ेदार सा है। तो बनाइए, खिलाइए, बहुत सारी दाद पाइए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का, बच्चों का, अपने पेरेंट्स का खास ख्याल रखिए, गरीब मुस्तकीन को कभी नहीं बुलाइए, ये बात प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए और सब्ज़ी ज़रूर खाया कीजिए और खिलाया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।